अब वैसे अगर आप मैदे की कचौड़ी बनाओगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको शाम को बढ़िया सी सूजी की कचौड़ी मिल जाए, ये देखो आप कितनी भरी हुई है, और यही नहीं ये बहुत क्रिस्पी भी है ना। फोक झूठ थोड़ी बोलते हैं, मैं आपको एक खा के भी दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है, और चाय के साथ सच में खाने में मजा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सूजी कचौड़ी बनाने के लिए जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, यानी कि पहले मैंने मसाला बनाया है, तो अब उसको वैसे ही बनाना, पहले मसाला फिर डो और फिर कचौड़ी। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने कम से कम सामान लिया है। आपको 3 उबले हुए आलू चाहिए, थोड़ी सी अदरक चाहिए, मिर्च चाहिए 2 से 3, साथ में मटर चाहिए, है ना, एकदम सिंपल। चाहो तो आप यहाँ पर सब्जियां भी डाल सकते हो, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, जो आपके पास पड़ी हो आप वो सब्जियां डाल सकते हो। बेसिकली आपने करना तो ये है कि आलूओं को अच्छे से छिल लेना है, अदरक और मिर्ची को एकदम फाइनली चॉप कर लेना है, और मैंने फ्रोजन मटर यूज करे तो उसको पानी में डाल के रखा है। और हाँ, साथ साथ आपको यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ धनिया भी चाहिए होगा, अगर घर पर पड़ा है तो जरूर डालना, बहुत फ्लेवर इन्हांस करता है। अच्छा, नेक्स्ट, मसाले मैंने कोई ज्यादा नहीं लिए, थोड़े से लिए हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर कर, धनिया पाउडर, आपको आमचूर पाउडर भी भर कर ही चाहिए होगा कम से कम 1 टीस्पून। और हाँ, यहाँ पर मसालों को इन्हांस करने के लिए कसूरी मेथी आप जरूर डालना। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है टाटा संपन्न की कसूरी मेथी, जो कि नागौर से मंगाई जाती है, जिसे कसूरी मेथी का घर माना जाता है। कसूरी मेथी के साथ आप यहाँ पर गरम मसाला जरूर डालना, गरम मसाला भी बहुत इम्पोर्टेंट। यही थी प्रिपरेशन। अब फटाफट से पहले हमारे आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, साथ में आप 1 चम्मच जीरा डालना और साथ साथ 1 चम्मच खड़ा धनिया। धनिया काफी प्रेवलेंट है इस मसाले में, बड़ा इंपॉर्टेंट है धनिया यहाँ पर, क्योंकि वो ही सारा फ्लेवर इन्हांस कर रहा है, वो ही फ्रेशनेस भी दे रहा है, तो धनिया जरूर डालना। यहाँ पर हमें इसको रोस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी जीरा और धनिया के फ्लेवर निकल कर आएगा। साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हींग भी डाली, हींग से और भी फ्लेवर इन्हांस होता है। जैसे इनमें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाएगा ना, आप यहाँ पर अदरक, मिर्च ये भी डाल देना, और मटर भी इसी टाइम पर डाल देना, ताकि मटर को भी पकने का टाइम मिले, नरम हो जाए मटर और अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए। थोड़ी देर ही आपने रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर आप यहाँ पर मसाला डाल देना जो हमने मसाला बनाया था, और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर हम मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे मटर, अदरक और मिर्ची के साथ। इससे होगा ये कि मसाले का फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। हाँ, लेकिन ज्यादा बिल्कुल भी मत भुनना, थोड़ी देर भुनने के बाद ही आप यहाँ पर आलू डाल देना, जो उबले हुए आलू है मैंने उनको अच्छे से क्रश कर दिया है, और अब आपने मसाले के साथ, मटर के साथ आलूओं को भी अच्छे से भून लेना है। देखो, अगर आपने फ्रेशली उबले हुए आलू लिए हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ेगा, अगर आपके पास ठंडे आलू हैं यानी कि जो फ्रिज में रखे हुए थे, तो आपको बेसिकली तब तक भूनना है जब तक ये हल्के से नरम नहीं हो जाते। बस जैसे ही ये नरम हो जाए, फिर आप यहाँ पर नमक डालना, साथ साथ मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया भी डाल दिया है, और नमक की वजह से ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू करेंगे। मैं इसको धीरे धीरे करके मैश करता जा रहा हूँ, ताकि मेरे को इसकी बॉल बनाने में आसानी हो, और स्टफिंग बनाते हुए कोई भी लम्स या कोई भी बड़ा पीस ना हो आलू का, नहीं तो क्या होगा कि जब हम कचौड़ी को फ्राई करेंगे तो फ्राई करते करते उसके फटने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश करते रहना, और गर्म है तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब आलू को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम यहाँ पर अपनी सूजी भी फुला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसे तो 1.5 कप सूजी ली है, तो 1.5 कप सूजी के लिए आपने डबल दी अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, यानी कि आपने 3 कप पानी लेना है। इस पानी में ही आप यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाल देना, और साथ साथ नमक भी डाल देना, क्योंकि सूजी को फुलाते हुए ही नमक डालना सही रहेगा ना, ताकि वो सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर पाए। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, आप यहाँ पर धीरे धीरे कर सूजी डालना। लेकिन सूजी डालने का भी एक तरीका है, अगर सारी सूजी एक साथ डाल देंगे तो लम्स बन जाएंगे। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड से थोड़ी थोड़ी करके मैं सूजी डाल रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि भरत भाई ये सूजी कौन सी है। दोस्तों, ये मेरे पास घर में नॉर्मल सूजी थी, जो थोड़ी मोटी होती है। तो ध्यान रहे कि आपको फाइन वाली सूजी लेनी है, अगर फाइन वाली घर पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिक्सी में आराम से उसे ग्राइंड कर सकते हो और आपका काम पूरा हो जाएगा। फाइन जरूर करना, नहीं तो कचौड़ी सही से जुड़ नहीं पाएगी और फ्राई करते करते टूट जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब थोड़ी सूजी फूलने लग जाए, मैंने यहाँ पर अभी आधी डाली थी, थोड़ी सी सूजी फूलने लग गई है, तो बस अब आप सारी सूजी डाल देना,
और अब आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, फटाफट आप यहाँ पर हाथ चलाना, नहीं तो सूजी में लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखते ही देखते बिल्कुल आपकी आंखों के सामने सूजी एकदम फूलने लग जाएगी। इस स्टेज तक आपने सूजी को फुलाना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल देना एकदम एंड में। ये करने से ये होगा कि सूजी इतनी चिपकेगी नहीं, और वैसे भी धीरे धीरे कर कर जब सूजी थोड़ी सी ठंडी होने लगेगी तो हल्का हल्का जो ये चिपक रही है ये कम हो जाएगी। तो ध्यान रहे ये आप ज़रूर करना, नहीं तो आपको इसको हैंडल करने में बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, सूजी कचौड़ी बनाते हुए हमें इसे थोड़ी सी गर्म सूजी में बनाना पड़ेगा। तभी तो मैंने आपको बोला था कि वो प्रोसेस फॉलो करना, पहले मसाला, फिर डो और फिर कचौड़ी। उससे ये होगा कि अगर ठंडी हो जाएगी सूजी तो ये स्टार्च है ये थोड़ा सेट सा हो जाएगा, सूख सा जाएगा, और जब हम बांधेंगे ना वो बंद ही नहीं होगा, और जब फ्राई करेंगे तो कचौड़ी फ्राई करते करते फट जाएगी। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर देना। मैं फटाफट ये कर लेता हूँ कि जब तक सूजी थोड़ी सी ठंडी हो रही है कि मैं अपने हाथ से उसे कंट्रोल कर पाऊँ, तब तक मैं यहाँ पर आलू या स्टफिंग बॉल्स बना लेता हूँ ताकि मुझे स्टफिंग करने में आसानी हो। बस एक एक करके आप बॉल्स बना लेना। अब हमें जो सूजी है उसका आटा लगाना है ना, उसको बेसिकली मलना है, स्मूद आउट करना है। तो मैंने जो अपनी ट्रे है इसमें हल्का सा तेल लगा लिया है, हाथों में भी हल्का सा तेल लगा लिया है, नहीं तो आप इसको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप इसको थोड़ा सा मल लेना ताकि अगर कहीं से ठंडी भी हो गई हो ना सूजी तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ध्यान रहे क्रैक्स आएंगे तो कचौड़ी जो है वो फट जाएगी फ्राई करते करते, इस बात का ध्यान देना। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक करछी से इवन आउट कर कर थोड़ा थोड़ा करके सूजी की बॉल्स निकाल ली है, यानी कि मेरी कचौड़ी के लिए सूजी अलग कर ली है। तो आप देख सकते हो आपको इतनी कचौड़ियाँ मिल जाएंगी बहुत आराम से। अब आपने भरना कैसे, बहुत सिंपल है। आप एक सूजी की बॉल लेना, हाथों में तेल जरूर लगा लेना नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप इसको थोड़ा सा फ्लैट करना, सेंटर से थोड़ा मोटा रखेंगे, साइडों से थोड़ा पतला करेंगे। और अब आपने यहाँ पर आलू की बॉल डालनी है बीचों बीच, और अपने अंगूठे और उंगली से पिंच करके जैसे हम कचौड़ी को बंद करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको बंद कर लेना। अच्छा, अब बड़ा सिंपल है। एक बार सील हो जाए तो इसको एकदम बॉल की तरह आप राउंड करने की कोशिश करना। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि भरत भाई ये कचौड़ी तो है ही नहीं है, तो बॉल है। तो इसको कचौड़ी बनाने के लिए मैंने एक प्लेट ली है, उसमें आप हल्का सा ऐसे फ्लैट करना दोनों तरफ से और ऐसे रोल कर देना। इससे इवन एकदम शेप आ जाएगी, कचौड़ी के फटने के चांसेस बहुत कम होंगे। बस एक करके मैंने यहाँ पर ऐसे सारी कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें करना है ये है कि हमें एकदम गरम गरम तेल, ध्यान रहे तेल एकदम गरम होना चाहिए कि कचौड़ी डालें और एकदम ऐसा इफेक्ट आना चाहिए। देखो आप कितनी झाग आ रही है, इतना गरम तेल है तो ऐसा ना हो कि तेल आपके ऊपर छिड़क कर आ जाए कढ़ाई से बाहर। तो आप ऐसे ड्रॉप करना करछी में डालकर, इससे बहुत आसानी होगी। अच्छा, लो फ्लेम पर दिक्कत ये होती है कि एक तो तेल बहुत पी जाती है कचौड़ी, और दूसरा ये है कि वो इतनी देर तक पकता है तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाई फ्लेम पर होता ये है कि एकदम हाई फ्लेम पर अगर पकाएंगे तो बाहर की सरफेस सेट हो जाएगी, फटने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, और एकदम क्रिस्पी कचौड़ी निकल कर आएगी जो कि तेल भी कम पिए। और फिर आप कचौड़ी डालोगे, आप देख सकते हो मेरा तेल 170 है जब मैंने कचौड़ियाँ डाल दी हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा होगा पहले। देखते ही देखते आप ये देखो, ज़्यादा इसको स्टर बिल्कुल भी मत करना, सरफेस सेट हो जाएगी तभी बेटर रहेगा। स्टर ज़्यादा मत करना, इनको पहले आप ऊपर आने देना। ये देखो आप टाइम लैप्स में धीरे धीरे करके इनकी झाग भी कम हो जाएगी और ये हल्के हल्के ऊपर भी आने लग जाएंगे। झाग कम होने का मतलब ऑब्वियसली ये है कि इसमें मॉइस्चर कम हो रहा है, और ऊपर आने का मतलब ये है कि ये पक रहे हैं, यानी कि बाहर की सरफेस सील हो रही है तो हवा अंडर ट्रैप हो रही है जिस वजह से कचौड़ियाँ ऊपर आ रही है। दैट्स इट, बस। अब आप इसको बीच बीच में, ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली, थोड़ा सा ही स्टर करना है, और बस आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लगता। दैट्स इट दोस्तों, सूजी की बढ़िया सी कचौड़ी बनकर पूरी तैयार है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है। ये देखो आप, सिंपल भी है और बारिश में जल्दी से भी बन जाती है। बेस्ट बात इसकी है दोस्तों, आप इसको ट्राई जरूर कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।